लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है, जिसमें कि एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी इस बार एनडीए को कड़ी चुनौती दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं, जो वाराणसी से प्रत्याशी भी थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में अजय राय जी ने कड़ी टक्कर दिया है। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से वाराणसी में जो मोदी का गढ़ कहा जाता है, उसमें कई टक्कर आपने दिया है, किस तरीके से देखते हैं और किस अब कहाँ गढ़ रह गया यार, अब गढ़ कहाँ है? अब काशी की जनता चुनाव लड़ी है और काशी की जनता ने दिखा दिया कि अब यहाँ पर झूठ की राजनीति और फ्रॉडगिरी की राजनीति नहीं चलेगी। इतने विधायक, इतने मंत्री, मेयर और इतने राज्यपाल और क्या क्या लगा के देख लिया, और लड़ाई लड़ने में सारा जो है सारा काम खत्म हो गया इनका। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और अब इनको जनता ने नकार दिया। अब जो ग्राफ आप बोलते थे 10 लाख पार, पूछो भाजपा वालों से 10 लाख कहाँ गया? 80 में 80, 400 पार, कहाँ है ये सब? ये जनता मालिक है लोकतंत्र में। जनता ने दिखा दिया कि जनता किसके साथ खड़ी है, जनता कहाँ है। निश्चित तौर से ये मोदी जी की नैतिक हार है। मोदी जी को इस्तीफा देके गुजरात जाना चाहिए। काशी की अगर बात कर लें तो बीजेपी के जो है 8 विधायक, 3 मंत्री, इसके अलावा 2 MLC, इसके बावजूद आपने कड़ा टक्कर दिया है। आधार आधार क्या मानते हैं आप, इसको किस तरह से जनता का काबू प्यार है करेंगे? भाई। दो राज्यपाल भी तो यहीं से बने हैं, उनको नहीं जोड़े आप? वो भी राज्यपाल भी इनके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। एक राज्यपाल है रामनगर वाले ना, गली गली घूम रहे थे, कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे। और मंत्री तो आपने गिना ही दिया। एमएलसी कैट हुए दो है कि तीन है? तीन ऐसा सुने, तीन है नहीं, एक एक और एमएलसी है, तीन है भाई। एक बिना भाजपा लड़े एक तो जीता ही है ना, एक एमएलसी और हैं, तीन एमएलसी सब काम कर रहे थे। उसके बावजूद इनकी हवा निकल गई और 5 लाख का मार्जिन आ गया 1.5 लाख पे। और ये काशी की जनता की लड़ाई थी, काशी की जनता लड़ाई लड़ी। मैं काशी की जनता को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या लगता है जो काशी की जनता है, इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से जनादेश मिला है, क्या मुद्दा जो है प्रभावित रहा है इस बार के चुनाव में? ये तो देखिए, पहली बात, ये पूरा गुजरातियों को लाके यहाँ बसा दिया इन्होंने। सारे गुजरातियों को ठेका दे दिया, सारा काम दे दिया, सारा पैसा कमा के गुजरात ले जा रहे हैं। यहाँ के लोग क्या यहाँ सुपरवाइजरी कर रहे हैं और लेबरगिरी करा रहे हैं, टोटो चलवा रहे हैं। टोटल आप देखो, अमूल फैक्ट्री में जितना भी परमानेंट एम्प्लॉई हैं सब गुजरात के हैं। यहाँ के लोग केवल टेम्परेरी बेसिस पे रखे गए हैं। तो ये जनता को लग गया और जनता निश्चित तौर से इन लोगों से पूरी तरीके से बहुत ही मतलब इनसे नाराज थी, और जनता का ये पूरा समर्थन प्यार मिला। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो कांग्रेस का भी जो जो जनादेश इस बार देखने को मिला है, इसके अलावा इंडिया गठबंधन अच्छी खासी सीटें यहाँ से जीती है, क्या मुद्दे जो प्रभावी हुए हैं उत्तर प्रदेश में? जिस तरीके से एनडीए ने बीजेपी ने दावा किया था कि हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीती हैं। देखो, ये सब जीते झूठी बातें हैं। जनता के बीच में काम नहीं किया। कोरोना के काल में इनके मंत्रियों ने अपने कार्यकर्ताओं को और बनारस की जनता को मारने के लिए दौड़ाया, तो जनता भूली नहीं है, किसी के साथ खड़े नहीं रहे। और सबको कोविड शील्ड लगवा दिया, जिसकी जांच आ गई कि ये इसके खून के थक्के जम रहे हैं। अभी आप देखो, खेलते हुए क्रिकेट एक लड़का गिर गया, अभी मैंने वीडियो देखा। ये सब क्या है? तो जनता नाराज है। जनता इन सब चीज़ों का पूरी तरीके से इनको जवाब इन्होंने दिया है और बुरी तरीके से जनता इनका साथ छोड़ चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के आगे का भविष्य क्या देख रहे हैं अभी 2027 चुनाव? अरे यार, इंडिया गठबंधन देखो डंका बजा दिया। आप देखो, इंडिया गठबंधन ने पूरी तरीके से प्रदेश में डंका बजा दिया। उठा के देख लो आप, पूरा कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं, जो कुछ सीटें हम जीते हैं बहुत कम मार्जिन से। एक हमारी सीट को जबरदस्ती वहां पर सर्टिफिकेट बांसगांव में दिलवा दिया गया। तो ये सारी चीजें आ रही हैं। अब देखो, राहुल गांधी 4 लाख करोड़ से चुनाव जीत रहे हैं। तो ये संकेत है ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो एनडीए दावा कर रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उलटफेर के कयास लगाए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की भी बैठक दिल्ली में है, एनडीए भी बैठक कर रही है, आपको क्या लगता है इस बार जो है प्रधानमंत्री क्या है? अब ये तो मुझे लगता है कि वरिष्ठ नेतागण तय करेंगे, पर इतना जानता हूं कि मोदी जी को अब उनको प्रधानमंत्री जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि जनता ने ये मैंडेट
मोदी जी के खिलाफ दिया है, तो मोदी जी को मैंने कहा ना कि इस्तीफा देकर नैतिकता के आधार पर गुजरात चले जाए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से जनता ने जो जनादेश इंडिया गठबंधन को दिया है, उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।